भारत देश अपनी सीमित और असीमित शक्तियों द्वारा पूरे ही विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जहां एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व मजबूत करता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ भारत सुरक्षा के स्तर पर अपनी सेनाओं को मजबूत और सेना के हथियारों में लगातार एडवांसमेंट करता रहता है। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति भवन पर इस उपलक्ष में जहां एक और भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, वहीं भारतीय सेना के जवान अलग अलग बॉर्डर्स पर राष्ट्रध्वज फहराते नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं देश में कहां कहां फहरा हमारा राष्ट्रध्वज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। हमारा राष्ट्र झंडा वैसे तो देश के सभी कोनों पर लहराता नजर आता है, पर कई ऐसी जटिल जगह हैं जहां भारतीय जवान तैनात रहते हैं और वहां भी ऐसे ही कई आयोजन किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं कुछ जगहों के बारे में। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, जिसकी करीब 12 से 17,000 फीट की ऊंचाई और तापमान 0 से -45 डिग्री सेल्सियस, गणतंत्र दिवस 2022 पर इन विषम परिस्थितियों वाले राज्यों में बर्फीली ऊंचाइयों पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। ऐसा 73वां गणतंत्र दिवस 2022 यानी कि 73rd रिपब्लिक डे के मौके पर भारत तिब्बतीय सीमा पुलिस के जवानों द्वारा किया गया है। हिमवीरों यानी आईटीबीपी के जवान ने 12,000 से 17,500 फीट की ऊंचाइयों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रध्वज फहराया, जहां कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से -45 डिग्री सेल्सियस तक है। साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड की माना घाटी में, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य तापमान में गणतंत्र दिवस मनाया। दरअसल 1962 में स्थापित आईटीबीपी भारत चीन सीमाओं के 3,488 किलोमीटर की सुरक्षा के लिए तैनात है। इन पर्वतीय सीमाओं में इलाकों और मौसम की विकट चुनौतियां आम हैं, जहां आईटीबीपी के बहादुर जवान देश की हिमालयी सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए 2400 घंटे तैनात रहते हैं। आईटीबीपी एक पर्वतीय प्रशिक्षित बल है और इसके सभी कर्मियों को पेशेवर रूप से पर्वतारोही माना जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्र की उच्चतम सीमाओं की सुरक्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बल को हिमालय के प्रहरी के रूप में ख्याति प्राप्त है। बल ने हाल ही में राष्ट्र की समर्पित सेवा के 59 वर्ष पूरे किए हैं। आईटीबीपी ने पिछले वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में फास्ट रिस्पॉन्ड के रूप में सैकड़ों बचाव अभियान चलाए हैं और स्थानीय लोगों की आपदा में सहायता की है। ऐसे वीर जवानों को, देश के गौरव और भारत माँ के वीर सपूतों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद।